चौबीस मोदी जी कह रहे हैं ना मोदी की गारंटी चलेगी इस बार, इनकी गारंटी है झूठों की गारंटी, जुमलेबाजी की गारंटी, और कोई गारंटी है ही नहीं। ये जो भी फेंकेंगे वो जुमलेबाजी निकलेगा, इनका उठा के देख लो ना जितनी बार भी किया बस अब जुमलेबाजी निकली। भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार बीजेपी में नहीं है, भ्रष्टाचार तो इतना है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इनके पास जो भी उधर का दिख रहा है वो भ्रष्टाचारी है, उधर से इधर आ गया निर्मा धावन बाथिंग पाउडर लग गया, मोदी बाथिंग पाउडर लग के वो साफ सुथरा हो गया। अब हर भर्ती एडहॉक पे, हर भर्ती संविदा पे, हर भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे, और हर भर्ती अंडरटेकिंग गवर्नमेंट, ठीक है, तो सरकार भर्ती दे रही है, सरकार रोजगार दे रही है। मोदी जी तो रोजगार बांट रहे ना हर जगह जाकर, रोजगार कौन सा बांट रहे हैं? क्या लगता है भैया मोदी राज में रोजगार मिला कि नहीं? नहीं नहीं मिला। कैसे रहे 10 साल मोदी जी के? बस बहुत बुरे रहे, बहुत बुरे रहे, और अभी भी बुरे ही हैं, अच्छे नहीं हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं ना विकसित भारत बनेगा, वो अच्छी बात है, अच्छी बात है, कह रहे हैं वो बना रहे हैं अपनी अपने हिसाब से बना रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे कि बहुत किस हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, हमें मालूम है ना, मोदी जी को थोड़ी मालूम है। क्या कैसे रहे 10 साल मोदी जी के? अरे बढ़िया रहे, कैसे ना रहे, क्या विकास हुआ? अरे बहुत विकास हुआ, जहाँ खड़े हो ये विकास जी है, और कौन क्या परेशानी है, विकास जी है, और क्या बात है, लोग पैदल चले, हेलीकॉप्टर घर में के बाहर खड़ा कर दे उनको, छत छत पे उतर रहा है, छत पर उतरेगा जो जो कमा रहे। पहले अखिलेश के जमाने में किसी ने नहीं हेलीकॉप्टर मांगा, अखिलेश के जमाने में नहीं बेरोजगारी, कौन कहना नहीं है बेरोजगारी, कहाँ नहीं कहना चाह रहे, क्या बोलेंगे बताओ, कोई बेरोजगारी, सबको नौकरी मिल गई, जब से मोदी आया जब से बेरोजगार हो गए, हम बोल रहे हैं क्या बोलेंगे, बोल जवाब दीजिए। बस सही बोले हैं चाचा हमारे, जब से मोदी आए बेरोजगारी बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, बड़ी है, बेरोजगारी बढ़ गई कहना चाह रही है। सब बन गए भैया, सब रोजगार बढ़ गई है, तो पहले की भी रोजगारी दिखाओ ना, रजिस्टर लाओ, ऐसे थोड़ी होती है कि रोजगारी बढ़ गई और ये बढ़ गई, मेरी साइकिल में पंचर हो गया, अब तो साइकिल वाला ना मिलना, कब घर घर गए, मेरे सारे साइकिल वाला पैदा होगा पढ़ा लिखा। महंगाई है कि नहीं? महंगाई कुछ नहीं है, जब हमारी इज्जत सही है, हमारी बेटी की इज्जत सही है, कुछ नहीं है महंगाई, बस समझो बात को, इससे बड़ा कुछ नहीं है। अच्छा रुक, क्या बोलेंगे, महंगाई कुछ भी नहीं है, अब अंधभक्ति के अब जिनका चढ़मा चढ़ा हुआ क्या दिखाई देगी महंगाई? अरे कहाँ महंगाई नहीं है भाई, तो पहले कहा है सस्ता ही, फिर मैं साइकिल तो तुमने हेलीकॉप्टर को नहीं खरीदा पहले, एक मिनट, सस्ता ही थी तो हेलीकॉप्टर को नहीं खरीदा, एक मिनट, एक मिनट, महंगाई नहीं तो हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं चले आप ये बताइए। यही तो बेवकूफ लोगों की बात होती है, कहीं की बात करो कहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है, कहीं की बात करो कहीं पहुंच जाते हैं, साइकिल की बात हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं, अरे हेलीकॉप्टर में क्या फायदा है? अरे मैं बोला जब आपकी सस्ती थी तो आपने साइकिल को खरीदी, हेलीकॉप्टर से साइकिल में फायदा, हेलीकॉप्टर में फायदा है ये तो तुम बताओगे, साइकिल में फायदा है? अरे मैं बोला साइकिल में फायदा है, मैं सुन रहा हूँ, जो आप नहीं सुनेंगे, जो सुनेंगे, जब सब कुछ सही है तो क्या सुनेंगे हम, जब किसी को नहीं दिखता, एक मिनट, आज के लोग क्या सोचते हैं कि घर पे हमारा सब चीज पहुंच जाए, सब कुछ ये पहुंच जाए, नौकरी भी हमारी 50,000, पढ़ाई लिखाई भी तो होनी चाहिए भैया ना, होनी चाहिए, बोलो पढ़ाई लिखाई कौन करवाएगा, पढ़ाई लिखाई कौन करवाएगा, लिखा रहे और लिखा रहे तो लीक हो जा रहा पेपर, वो भी इस सरकार में, सुधा में कह रहे कानून बहुत अच्छा है, कानून अच्छा है तो लीक का पेपर हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, क्या कारण पेपर लीक होने का? एक मिनट, जितने अतीत, अरे सुन तो लो, चलो उसने क्या कहा, पेपर लीक पे क्या बोला उसने, बताओ उसका जवाब बताएंगे, क्या बोला भाई आपने, भैया इस सरकार में पेपर लीक क्यों हो रहा है, घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, अतीज, अरे सुन तो लो, अरे यार हम नहीं सुनेंगे, अतीज ने बहन के लोड़े करोड़ों की संपत्ति और बहन की चोट कर दी, और उसने सारे अरबों खरबों की, अब भी सारे वो ही है, सारे चोर है साले, किन की अतीत वगैरह कौन के, बताओ ना कौन की सरकार, लीक की बात, अतीक के कहाँ से रोल आ गया, पेपर लीक की बात हो रही, अतीक अहमद नहीं, पेपर लीक हुआ है, एक मिनट उसने क्या बोला, एक मिनट इनकी पिंचर हो जाए, एक मिनट भाई साहब इनकी पिंचर हो जाए, हो गया लीक तो उसने क्या बोला है, अगली बार जब हो तब बताना, यही बताया हमें, आप जाइए आप, पेपर लीक की बात हो रही है, कहाँ से कहाँ ला रहे, अतीक अहमद कहाँ से आ गया पेपर लीक में, क्या हो गया, अतीक अहमद का कहाँ से नाम आ गया पेपर, पिंचर की बात कर रहे, जब एक बार हो जाता है पिंचर, भूल जाओ हो जाता है, हो कर दिया किसी ने, हो गया चार बार कहाँ हुआ, रास्ता में कांटा क्यों लगा दिया, पंचर हो बार बार।
देखिए पिछली सरकारों में पेपर लीक हुआ करता था, लेकिन सरकार दबा दिया करती थी और लोगों को मालूम नहीं चल पाता था कि पेपर लीक हुआ है। और चूंकि सरकार जो है एक्टिव है, और एक्टिव सरकार जो है ये सरलता तरलता और स्पष्टता के साथ, ये सरलता तरलता स्पष्टवादिता के साथ कार्य कर रही है। इन्होंने कितने पेपर दिए, इनका कितना लीक हुआ बता रहा है, बुझ रहे कितने पेपर दिए, कितना लीक हुआ? 2014 पहले पैदा हुए, बुझो। अच्छा है कि जब हम यहाँ खड़े हैं तो 2014 से ही पहले के पड़े हैं भाई, 2014 से पहले पृथ्वी पे पड़े हैं, तब तो आज यहाँ इस स्थिति में खड़े हैं। हमें लगता है ये आज पैदा होकर के आ गए हैं, इसलिए अपने जो है हम तो क्या आते थे। तो बात सुनो पहले, जब पेपर लीक बताओ तुम्हारे टाइम पे कितने पेपर लीक हुए बताओ। पेपर लीक हुआ करते थे, लेकिन सरकारें उसे दबा दिया करती थी, उसको बताया दबा दिया करती। तो आपको कैसे पता चला आप सरकार में थे? हम सरकार में नहीं थे, हम सरकार के विपक्ष में थे। अच्छा, 100 रुपए गए थे कम क्यों कर दिए? हाँ, सरकार ने ये 100 रुपए सिलेंडर गए थे कम क्यों कर दिए? ये तो चुनाव का बात है, क्योंकि जनता समझ नहीं पा रही है कि जो महंगाई है उसको कोई नहीं रोक सकता। गैस सिलेंडर कभी 200 रुपए था, फिर कांग्रेस सरकार में ही 450 रुपए से ऊपर हो गया, 600 रुपए तक हो गया। और आज सरकार की मजबूरी है, आज सरकार की मजबूरी है कि लोग हवा कर रहे हैं कि सरकार जो है महंगाई कर रही है। महंगाई तो किसी के बाप के दम नहीं है कि महंगाई रोक ले, फिर महंगाई डाउन हो तो रही है। 600 रुपए घटा के पहले लूट लो, इसके बाद छूट दो, दिक्कत का है? तो सभी सरकारें पहले लूटते रहो, 1200 को सिलेंडर पहुँचा दिया, अब 100 कम करके तुम्हें दिखा रहे हैं कैसी वोट आ जाए इस बार। ठीक, पब्लिक इतनी पागल नहीं है, ठीक है, पहले तुमने जितना लूटा वो वापस कर दो, तब इसके बाद बात करो। अगर इनको यह बात सही लगती है तो इनकी जो पेमेंट बढ़ी है ये अपनी पेमेंट वापस कर दें, कम पेमेंट लेना शुरू कर दें, फिर कम में इनको सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। सैलरी कम कर दीजिए अपनी, हम 3000 रुपए महीने लेंगे, 3000 रुपए महीने, सुनो, 3000 रुपए महीने लेंगे, और जो 2008 में जो थी भाई कर दो उसी रात ले लो, सबको सारा वापस कर देंगे, सारा पैसा वापस कर देंगे। तुम 2008 में जो महंगाई थी और 3000 रुपए पेमेंट थी, उसके हिसाब करा दो जिला वाले कहाँ जाएंगे? तो भाई उसके लिए तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जो आप पैसा लिए हैं उसका इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट के दे देंगे भाई, क्यों परेशान है? इसके लिए सरकार से आप बात करिए सरकार के पास। तुम बोल गया हो ना, जब तुम्हें नहीं पता है, तुमको नहीं पता है तो बोल गया हो, हम दे देंगे मैं इंटरेस्ट के वापस। हमको क्यों नहीं पता, आपको पेमेंट बढ़ा कर चाहिए, सब कुछ बढ़ा के ले रहे हैं गवर्नमेंट जो है। 10 काम मोदी जी के बताइए, 10 काम। 5 काम तो उस दिन बता दिए, आज 10 काम और काम बोल रहे हैं। इस सरकार आई है, इतना ऐसा पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है, जुमलेबाजी दे दे के, ठीक है, बस वोट और राज्य सरकारों को गिराने के बाद इसका कोई काम नहीं रहा, ठीक है, समझ गए? इतनी जुमलेबाजी फेंकी कि पब्लिक आज तक समझ ही नहीं पा रही कौन सही कौन गलत है। थाने में पूरा योगदान मीडिया ने दिया, ठीक है, मीडिया ने इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया, मीडिया ने इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया कि बोली वाली जनता समझ नहीं पाई। और झूठ बोलने के बाद दूसरा चुनी हुई सरकारों को गिराने के साथ वो काम किया, वोटों की चोरी वो करी, ठीक है, चुनाव आयोग ED CED सबको अपने कब्जे में कर रखा, पेपर लीक हो बाज नहीं आ रहे हैं, लीक होने थे, ठीक है, बच्चों का बहिष्कार अंधकार में पड़ गया, ठीक है, और अभी भी इनको लगता है कि जनता हमको वोट ही देती रहेगी। 2014 में जनता ने समर्थन दिया था, 2019 में इतना नहीं दिया था, ठीक है, जो सोच रहे 2024 में भी, अभी से मोदी जी कह रहे हैं ना मोदी की गारंटी चलेगी इस बार, इनकी गारंटी है झूठों की गारंटी, जुमलेबाजी की गारंटी, और कोई गारंटी है ही नहीं। ये जो भी फेंकेंगे वो जुमलेबाजी निकलेगा, इनका उठा के देख लो ना, जितनी बार भी किया बस अब जुमलेबाजी निकली। क्या बोलेंगे भाई साहब? देखिए यो बीजेपी ने जो भी अपने 5 काम गिनवाइए, 5 काम पे। 5 काम में देखिए, रोड उन्होंने बनाया, जगह जगह पे एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, ठीक, जगह जगह कहाँ, हमारे आजमगढ़ में सुहेल देव यूनिवर्सिटी खोल दिए, 3 काम हो गया जो है कि लोगों के लिए, नहीं जेवर में तो वो हवाई अड्डा एक ही काम है, चाहे जेवर में हो चाहे हमारे यहाँ हो, ठीक। इसके बाद उन्होंने जो है कि जन धन योजना के तहत जो है सारे लोग बैंक से जुड़ गए, इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा हुआ कि उनको जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी है, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है डायरेक्ट उनके पास आता है अभी, हाँ डायरेक्ट उनके खाते में आ रहा है। पहले यही जो है कि हमारे एक बार जो है गृह मंत्री बोले थे कांग्रेस के समय में कि जो है 1 रुपया भेजते हैं तो 25 पैसा जाता है, कांग्रेस में गृह मंत्री जी ने बोला था कि 1 रुपया भेजते हैं
तो 25 पैसा जनता के पास जाता है। आज अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 1 रुपया जनता के खाते में जाता है वहाँ से। ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया मोदी राज, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है ठीक। चूंकि कुत्ते अगर जैसे कुत्ते अगर मांसाहारी हो जाएं तो एक वक्त में तुरंत मांस नहीं छोड़ देंगे, धीरे धीरे छुड़ाना पड़ता है। तो प्रोसेस है, वो छोड़ रहे हैं कुत्ते मांस छोड़ रहे हैं। हाँ, चुनाव आयोग ने भी मांस छोड़ दिया ठीक है। देखा बैलेट पेपर से भी बेईमानी कर ली, लोग कह रहे बैलेट से डलवाओ, ये तो बैलेट को भी खा जाएंगे, समझ रहे, ये तो बैलेट को भी खा जाएंगे। अगर बैलेट पेपर से वोट पड़ गया तो बैलेट पेपर में बेईमानी कर देंगे। भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार बीजेपी में नहीं है। भ्रष्टाचार तो इतना है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इनके पास जो भी उधर का दिख रहा है वो भ्रष्टाचारी है। उधर से इधर आ गया निर्मा साबुन वाशिंग पाउडर लग के, मोदी वाशिंग पाउडर लग के वो साफ सुथरा हो गया। इन्हें भ्रष्टाचारी नहीं दिखाई दे रहे, सारे भ्रष्टाचारी उधर के इधर आ गए, इन्हें भ्रष्टाचारी नहीं दिखाई दे रहे। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचारी उस समय थे 2014 से पहले, तब इनको तब भ्रष्टाचारी दिखाई दे, जब इनके साथ आते जा रहे तो भ्रष्टाचारी खत्म। कह रहे रोड बन गया, हवाई अड्डे बन गए, सारा विकसित। हाँ तो ये चप्पल वाले हवाई जहाज उड़ के भी आए हैं, इनको पता होगा चप्पल पहन के उड़ के भी आए होंगे हवाई जहाज में। कहाँ कहाँ यात्रा करें, कहाँ कहाँ किया आपने? हम जो है लखनऊ से मुंबई तक की यात्रा की है हवाई जहाज से। सिर्फ एक ही करे, इन्होंने एक ही करा। हम जो करी होगी अपने पैसे दे के आए होंगे, पैसे नहीं आ गए होंगे ठीक है। और वो भी इमरजेंसी में कोई स्वर्गवास हो गया और तब गए होंगे, ऐसे नहीं गए होंगे, मैं बता रहा हूँ। अब उधर मिल लो स्वर्गवास में आप जाते होंगे, अब उधर मिल लो मुंबई स्वर्गवास में जाएंगे कि लोग घूमने जाएंगे। सुनो